हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सारा, दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज का जो आर्टिकल है वो है फैक्टर्स से रिलेटेड, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स टॉपिक बहुत ही आसान है, अगर इसको गौर से समझेंगे तो बहुत ही आसान ये टॉपिक है और बहुत ही मज़ा आता है जब हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं किसी भी नंबर के। सबसे पहले फैक्टर्स होते क्या हैं? फैक्टर्स को अगर मैं सिंपली सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूँ तो फैक्टर हम कहते हैं कोई भी नंबर जो किसी दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, तो उस नंबर को हम उसका फैक्टर कह देते हैं। फॉर एग्जांपल, 2 अगर हम के 10 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, अगर हम देखें तो 10 और 2, 2 5 टाइम्स करें तो 10 बनता है, तो इसका रिमाइंडर क्या है? 0। तो 2 ने 10 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं इवनली डिवाइड कर दिया। इवनली का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, विद 0 रिमाइंडर। तो 2 10 का फैक्टर हुआ। तो अगर हम इसी चीज़ को वर्डिंग में लिखें तो हमारे पास फैक्टर की डेफिनेशन आ जाएगी, अ नंबर which divides an other number evenly. Evenly का मतलब यही होता है कि with no remainder, जिसका कुछ भी नीचे बचे ही ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 remainder है, 0 कर लें या फिर क्रॉस लगा दें, दोनों का मीनिंग एक ही होता है कि 0 remainder है। तो एक नंबर जो दूसरे नंबर को डिवाइड कर दे इवनली या फिर कम्प्लीटली, तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। तो 2 हियर इज अ फैक्टर ऑफ 10 बिकॉज 2 डिवाइड 10 कम्प्लीटली विद नो रिमाइंडर बिहाइंड। तो हम कह सकते हैं कि फैक्टर क्या होगा? कोई भी नंबर जो दूसरे नंबर को इवनली डिवाइड कर दे। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, गूगल करेंगे आप तो आपको डिफरेंट टाइप्स की डेफिनेशन मिलेंगी, बस वर्डिंग चेंज होगी, मीनिंग सेम है। मीनिंग आपने समझना है, वर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं अपनी भी, आपने बस मीनिंग देखना है कि एक नंबर दूसरे नंबर को इवनली डिवाइड करे तो वो नंबर उसका फैक्टर कहलाएगा। ज़रूरी नहीं है कि फैक्टर एक नंबर ही हो। फैक्टर, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, फैक्टर कैन बी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फैक्टर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। मैं 9th और 10th की आउटलाइन कवर करवा रही हूँ, इसमें मैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इतना नहीं डालूंगी कंसेप्ट, मैं नंबर तक ही रखूंगी, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी फैक्टर हो सकता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल, मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, लेट्स सपोज x माइनस 2 एक फैक्टर है, क्योंकि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है किसी भी एक्सप्रेशन का। x माइनस 2 अगर हम बात करें तो फैक्टर होगा इस फैक्टर ऑफ 3x2 माइनस 5x माइनस 2। तो अगर हम ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन लें तो x माइनस 2 इसका फैक्टर होता है। मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये किस तरह फैक्टर होगा। अगर आप इसकी फैक्टर्स बनाएंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 2, मैं डिटेल में नहीं जा रही मैंने फैक्टर किस तरह बनाए हैं। ये तरीका होता है फैक्टर बनाने का कि अगर इन दोनों को हम आपस में ऐड करें तो यही नंबर दोबारा आ जाए, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों की मल्टीप्लाई से जो नंबर आता है वो आना चाहिए। मैं सिर्फ एक कंसेप्ट देने लगी हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं जल्दी में इसको लिखती है। अगर आप देखें तो इस नंबर को अगर हम खोलें तो वो इस तरह होता है। अगर हम x माइनस 2 से इसको डिवाइड करें तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो x माइनस 2 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है। ये कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है नंबर के कंसेप्ट से, लेकिन मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे इतना बताया कि फैक्टर एक नंबर के अलावा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि नंबर ही फैक्टर्स होते हैं, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्स माइनस 2 इसका फैक्टर है। तो ये थी डेफिनेशन फैक्टर की कि फैक्टर होता क्या है। नेक्स्ट हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स फैक्टर्स से रिलेटेड, कि हमने फैक्टर्स किस तरह फाइंड आउट करने हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 10, हमने 10 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो आपने क्या करना है, एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, वो ये है कि जिस भी नंबर का आपने फैक्टर निकालने के लिए आपको क्वेश्चन पेपर में कहा जाए कि राइट द फैक्टर ऑफ दिस नंबर, दैट नंबर कैन बी लाइक 10, 12, 15, कुछ भी नंबर हो सकता है,
आपको कहा जाएगा उसके फैक्टर्स लिखें। आपने क्या करना है, सबसे पहले 1 और 10 जो भी नंबर आपको दिया जाएगा उसका 1 तो फैक्टर होगा ही होगा, उसके अलावा वो नंबर अपने आप का भी फैक्टर होता है। किस तरीके से, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ कर रही हूँ। 10 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो 1 10 times 10 होता है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं होगा। तो 1 तो फैक्टर होगा ही होगा। अगर आप 10 की जगह लेट्स सपोज 11 ले लेते हैं तो 11 का भी 1 फैक्टर होगा ही होगा। सिमिलरली अगर 10 को हम 10 पे ही डिवाइड करें तो 1 10 1 time 10 होता है, रिमाइंडर 0। नंबर इट्सेल्फ और 1 उस नंबर का फैक्टर होगा ही होगा। वो आपने आंख बंद करके वो नंबर और 1 लिख देना कि ये तो फैक्टर है ही है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपने 1 के बाद क्या आता है, 2, नेचुरल नंबर होता है 2। आपने 2 पे देखना क्या 2 10 को डिवाइड करता है, तो मैंने अभी आपको बताया था 2 10 को डिवाइड करता है कम्प्लीटली, तो 2 भी फैक्टर है। क्या 3 10 को डिवाइड करेगा, अभी हम देख लेते हैं। 3 3s are 9, रिमाइंडर 1। अब वहाँ यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास बच गया, इसका मतलब 3 ने कम्प्लीटली 10 को डिवाइड नहीं किया, तो हम कह सकते हैं कि 3 इसका फैक्टर नहीं है। सिमिलरली 4 10 का फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि 4 भी जब 10 को डिवाइड करेगा तो कम्प्लीटली नहीं करेगा, 2 रिमाइंडर रहेगा। इस तरह आपने चेक करते जाना है। 5 10 का फैक्टर है, क्यों, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 10 आता है, तो वो कम्प्लीटली 10 को डिवाइड करता है रिमाइंडर 0 के साथ, तो 5 इसका फैक्टर है। 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे टाइम भी शॉर्ट है, तो आप इनको चेक कर सकते हैं जिस तरह मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। तो 10 के मेरे पास फैक्टर्स कितने आ गए, 1 2 5 and 10। तो 10 के फैक्टर्स क्या हैं, ये 4 फैक्टर्स हैं 10 के। अगर आपको कहा जाए राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ 12, सिमिलरली 1 और 12 तो होगा ही होगा। अब आपने चेक करना है क्या 2 12 को डिवाइड करता है, तो 2 12 को डिवाइड करता है। 3 12 को डिवाइड करता है, कम्प्लीटली करता है। 4 करता है, 6 करता है, नेक्स्ट 7 8 9 10 11 12 को डिवाइड कम्प्लीटली नहीं करता। जिस तरीके से ये चेक किए हैं इसी तरीके से मैंने आपको बताया 12 के, आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। सिमिलरली 15 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो वो आएगा 1 2 15 को डिवाइड नहीं करता, तो हम नहीं लिखेंगे। 3 कम्प्लीटली करता है, हम लिख देंगे। 4 नहीं करता, 5 करता है, 6 नहीं करता, 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, 9 नहीं करता, 10 भी नहीं करता, 11 12 13 14 15। तो 15 के फैक्टर्स कितने आए हमारे पास, 4। मैं यहाँ पे करके भी दिखा देती हूँ। 15 को अगर हम 3 पे करें, 3 5 star 15, रिमाइंडर कुछ भी नहीं होगा। सिमिलरली 15 को हम 5 पे करें तो 5 3 star 15, रिमाइंडर कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ये 3 एंड 5 इसके फैक्टर्स हैं, और 1 और 15 इट्सेल्फ तो इसके फैक्टर्स हैं ही। 18 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा। इस तरह अगर आप चेक करते जाएंगे तो 18 ही आएगा। ये बस टाइम शॉर्ट है, अदरवाइज मैं आपको इस तरीके से सारे करके दिखा देती। तो आपने देखते रहना है कि कौन कौन से इसके होंगे और कौन से नहीं होंगे। तो यहाँ पे कुछ मैंने इस तरह ये लिख दिए हैं कि कौन कौन से हैं। ये जनरल था कि किस तरह आपने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फैक्टर्स से ही रिलेटेड है, वो है कॉमन फैक्टर्स का, क्या आपने फाइंड आउट करना है कॉमन फैक्टर्स। तो मैं इस एग्जाम्पल से ही फाइंड आउट कराऊंगी आपको कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर आपको क्वेश्चन पेपर में कहा जा सकता है। कॉमन फैक्टर जब भी पूछेंगे तो वो साथ ही साथ आपको ये पूछेंगे। कॉमन फैक्टर जब भी आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा तो वो एक नंबर का नहीं होगा, 2 नंबर का एटलीस्ट होगा। फॉर एग्जांपल ये लिखा जाएगा राइट डाउन द कॉमन फैक्टर ऑफ 10 and 12, राइट डाउन द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 and 15, राइट डाउन द कॉमन फैक्टर 15 and 18। इस तरह आपसे कोई ना कोई 2 पूछेंगे। कॉमन फैक्टर 2 से ज़्यादा नंबर्स का भी पूछा जा सकता है। राइट डाउन द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10, 12 and 15। तो ये क्वेश्चन पेपर पे आपने गौर से देखना है कि आपको पूछा किस किस का जा रहा है। जिस जिस नंबर का कॉमन फैक्टर पूछा जाएगा आपने उसके इंडिविजुअली फैक्टर्स पहले इस तरह लिखने हैं, फिर आपने कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर क्या होता है, लेट्स सपोज मुझे पूछा जा रहा है 10 का और 12 का कॉमन फैक्टर, तो मैंने देखना है 10 और 12
जैसे यहाँ पे ये है, 10 के मैं फैक्टर्स निकालूंगी अलग से, 12 के फैक्टर्स निकालूंगी अलग से, फिर मैं देखूंगी 10 और 12 में कॉमन का मतलब है एक जैसा फैक्टर कौन सा है जो सेम है, तो 1 है, 2 है, इसके अलावा इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसमें 1 आ गया और 2 आ गया। सिमिलरली अगर मुझे कहा जाए कॉमन फैक्टर निकालें, कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन अगर आपने लिखनी है तो आपने ऐसा लिख फैक्टर, द फैक्टर विच इज़ कॉमन इन बोथ द नंबर्स इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। तो ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये एक भी हो सकता है, एक तो होगा लाजमी, क्योंकि अगर हम कोई भी नंबर लेंगे तो उसका फैक्टर 1 तो होगा ही होगा, तो एक तो होगा ही, एक से ज़्यादा हो सकते हैं ये कॉमन फैक्टर। हम निकालें लेट्स सपोज 12 और 15 का, तो 12 और 15 में कॉमनली क्या है, 1 है, 3 है, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सिमिलरली अगर मैं 12 और 18 का निकालूं, तो इसके कॉमन फैक्टर्स आपने देखने हैं 12 और 18 के, तो आपने इसके अंदर ये 15 की लाइन है इसको नहीं देखें, इसको देखें, 1 and 1 कॉमन है, 2 and 2 कॉमन है, 3 and 3 कॉमन है, 6 and 6 कॉमन है, तो 1, 2, 3 and 6 इसके अंदर ये कॉमन फैक्टर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं एक और स्टेप आगे करते हैं, फैक्टर क्या थे वो मैंने आपको बता दिया, कॉमन फैक्टर क्या है मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जिसको क्वेश्चन पेपर में आपसे GCF भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपने ये माइंड में रखना है GCF किसको रिप्रेजेंट करता है, GCF रिप्रेजेंट करता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाए राइट डाउन GCF ऑफ फॉलोइंग, और लेट्स सपोज फॉलोइंग में आपके पास पहला 10 एंड 12 है, सेकंड 12 एंड 15 है, थर्ड पे 12 एंड 18 है, यह आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं। मैं इन तीनों को इसलिए बार बार ले रही हूँ क्योंकि मैंने आपको फैक्टर्स इनके निकलवा के दिखाए हैं, मैंने कॉमन फैक्टर इनका बताया, तो मैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी इनका बताऊंगी। आपके पास जो भी क्वेश्चन पेपर में आएगा, लेट्स सपोज आपके पास आया था 20 and 30, आपने 20 के कॉमन, सबसे पहले अगर आपसे GCF पूछा जाता है 20 का और 30 का, तो स्टेप 1 क्या होगा, फैक्टर्स निकालने हैं 20 के 30 के, स्टेप 2 क्या होगा, कॉमन फैक्टर निकालना है, 20 और 30 के जो भी फैक्टर्स में कॉमन आ रहे होंगे वो आपने लिख देने हैं। स्टेप नंबर 3 क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट मतलब जो सबसे बड़ा होगा उन कॉमन फैक्टर्स के अंदर, वो आपने लिख देना है। अगर मैं देखूं तो 10 और 12 में जो कॉमन फैक्टर था वो था 1 and 2, इनमें से बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली 2 है, तो 2 10 और 12 का GCF होगा, तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे 2। निकालना कैसे है आंसर, मैंने अभी आपको बताया, पहले अपने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, फिर निकालने के बाद आपने उसमें से देखना जो दोनों का कॉमन फैक्टर में बड़ा वाला नंबर है वो यहाँ पे आपने लिख देना है, वो होगा GCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। 12 और 15 के कॉमन फैक्टर क्या थे, 1 and 3, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 3, तो आपने यहाँ पे आंसर में लिख देना है 3। सिमिलरली आपने देखना है 12 और 18 के कितने हैं, 1, 2, 3, 4, इन 4 में सबसे बड़ा कौन सा है, 6, तो यहाँ पे आंसर में आपने लिख देना है 6। नेक्स्ट कुछ हिंट पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं होंगे, कॉमन फैक्टर एक से ज़्यादा होंगे लेकिन मिनिमम एक तो लाजमी होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा एक ही होगा, फैक्टर्स हमेशा फाइनाइट होंगे, फाइनाइट मतलब जिसको हम काउंट कर सकें, जैसे कि अगर मैं देखूँ, मैं आपको एग्जांपल करवाई हूँ, 10 के फैक्टर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो ये मैंने काउंट कर लिए, ये 4 है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है। 12 के फैक्टर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फाइनाइट है। 15 के फैक्टर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, फाइनाइट है। 18 के फैक्टर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फाइनाइट है। मैंने यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ली थी, इसमें दो फैक्टर्स बने थे, दोनों ही इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं, तो ये भी फाइनाइट है, तो फैक्टर्स हमेशा क्या होंगे, फाइनाइट, और GCF जो होगा हमेशा एक होगा। ये थी मेरी आज की वीडियो फैक्टर्स से रिलेटेड, बहुत ही ईजी टॉपिक है,
लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से फैक्टर्स पूछे जाते हैं, कॉमन फैक्टर पूछे जाते हैं, GCF पूछा जाता है। नेक्स्ट मैं आपको करवाऊंगी मल्टीपल्स और LCM क्या होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।